हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आपकी गरिमामय उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है माननीय। हम हृदय से स्वागत करते हैं उड़ीसा की इस पावन धरती पर, अभिनंदन करते हैं। उड़ीसा की धरती उत्साह से भर गई है, उत्साह का सैलाब यहाँ पर है माननीय आपको देखकर। उड़ीसा की पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन और उत्कल दिवस के मौके पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत के विकास को नई उड़ान देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय गवर्नर उड़ीसा डॉक्टर एस सी जमीर, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा श्री नवीन पटनायक, माननीय केंद्रीय मंत्री इस्पात एवं खान श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय जनजातीय मामले मंत्री श्री जुएल उराव, माननीय केंद्रीय इस्पात एवं खान राज्य मंत्री श्री विष्णु देवसाय। हम स्वागत करते हैं श्री दिलीप तिर्की माननीय MP, माननीय इस्पात एवं खान एवं श्रम मंत्री उड़ीसा श्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक, माननीय MLA श्री दिलीप रे और माननीय MLA श्री सुब्रत तराई और सचिव इस्पात श्री राकेश सिंह और श्री CS वर्मा चेयरमैन सेल। आप सभी महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने पूरे डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन से राष्ट्र के निर्माण और प्रगति से जुड़े हर आयाम को अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और विशेष गुणवत्ता वाले उत्पादन से निरंतर तराश रहा है। देश का गर्व राउरकेला स्टील प्लांट एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा प्लांट है जिसने स्टील मेकिंग की LD टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। इसे देश का पहला ऐसा प्लांट होने का गौरव हासिल है जो उच्च गुणवत्ता वाले बिजली के अप्लायंसेस बनाने के काम में आने वाले इलेक्ट्रिकल स्टील का उत्पादन करता है और डिफेंस में काम आने वाले आर्मर प्लेट्स भी बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया को साकार कर रहा है राउरकेला स्टील प्लांट। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 4.5 MTPA मॉडर्नाइज एंड एक्सपेंडेड राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ होने जा रहा है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उत्कल की इस धन्य धरती को नमन करके। नमस्कार, वंदे उत्कल जननी। आज पहला एप्रिल 1936 मसीह भाषा भितर ओडिशा एक स्वतंत्र राज्य भाव प्रतिष्ठित होता। यह वर्ष 2015 प्रभु जगन्नाथ नवकलेवर अनुष्ठित हो। आज पवित्र दिवस राउरकेला इस्पात कारखाना एक नूतन अध्याय आरंभ है। प्रधानमंत्री माननीय श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी आज ये कारखानार नवीकरण प्रकल्प संपूर्ण होगा अवसर में राज्यर प्रथम समन्वित इस्पात उद्योग नवकलेवर को राष्ट्र उद्देश्य समर्पित कर। आज ऐतिहासिक अवसर में माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी एवं मंच में उपस्थित समस्त अतिथिगण को मु उत्कल दिवस शुभेच्छा जनाऊँगी और स्वागत करुच्ची। श्री जगन्नाथ नवकलेव अवसर यह एक गौरव विषय। प्रधानमंत्री महोदय तांका व्यस्त कार्यक्रम मध्य एथिपाई समय दे आम समस्त को अनुग्रहित करिसंती एवं आपण समस्त तरफ रु तांकु मु धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करूछी। शुभ अवसर रे ओडिशार 5 जन बारपुत्र को माननीय प्रधानमंत्री समेत मंचसीन अतिथिवृंद को वर्तमान श्रद्धांजलि देवाई मु अनुरोध करुच्ची। माननीय प्रधानमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य महानुभावों से अनुनय है कि कृपया उड़ीसा के पुण्यात्माओं को पुष्पांजलि अर्पित करें। ए चिरस्मरणीय महापुरुष मने हेले बैरिस्टर मधुसूदन दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास, महामय कृष्णचंद्र गजपति, वीर सुरेन्द्र साई एवं शहीद बिरसा मुंडा। उड़ीसा की पुण्यात्माओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। स्वतंत्र प्रदेश हेबा परे वंदे उत्कल जननी ओडिशार राज्य गीत रूपे गृहीत होइथिला। कंठकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक रचयिता ए गीतटी प्रत्येक ओडिशावासींकर अति प्रिय। एही गीतटारे उत्कलर विभाव वर्णना सहित भारत बर्षर एक सुंदर अंग भावरे वर्णना करा जायछि। वंदे उत्कल जननी पई आपण मनकु अनुरोध करूछि कृपया ठिया ही जानतु। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वंदे उत्कल जननी को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हम माननीय केंद्रीय मंत्री जनजाति मामले श्री जुएल ओराम से अनुरोध करते हैं कि कृपया सभी के स्वागत में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी ओडिशा प्रदेश गठन र उत्कल दिवस अवसर रे मु हार्दिक अभिनंदन जनाउछि एवं मोर भाषण आरंभ करूछि। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल एस सी जमीर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महोदय, केन्द्र स्टील एंड माइंस मिनिस्टर तोमारजी नरेंद्र सिंह तोमारजी, भाई धर्मेन्द्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री विष्णुदेव साय महोदय, दिलीप राय महोदय, सुब्रत तरई महोदय, आमर स्टील मिनिस्टर ओडिशार एवं मोर बंधु एठिकार लोकप्रिय विधायक दिलीप राय महोदय, मंच रे बसवा राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की महोदय एवं अन्यान्य अधिकारी माने, मो आपण मानकर उपस्थिति देखिकरी मोर मुहरु भाषा हजि जाइछि जे मु कोन कहिकरी आपण मानको स्वागत करी।
से जा हो मो पूरा ओडिशा वासिंकर तरफ रु पाख झारखंड एवं छत्तीसगढ़ तरफ रु जो जनसाधारण माने आछंती आज भारतर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी राउरकेलारे पाद देकर आमको उत्साहित करथिबारो मु समस्त प्रथमे तांको कोटि प्रणाम करू कोटि कोटि प्रणाम करू। मार्च मासरे आमे दिलीप बाबूंकर संगरे जाइकिर जेतरे दिल्ली रे भेटलु आमे अनुरोध करथलु जे आपण राउरकेलाकु थरे आसंतु अनेक कार्यक्रम विषय रे तांको चिठा देकर चिठी देकर अनुरोध करथलु। मु आज विश्वास करि पारु नाही जे माननीय भारतर प्रधानमंत्री एते व्यस्ततम कार्यक्रम परे मध्य से राउरकेला भली गोटे छोट शहर को स्वतंत्र भाव में आसिकी फेर एठ से दिल्ली चली जाए मुटा विश्वास करि पारु नाही। सेतिपाई आपण मानकर समस्त तरफ रु आबाल बनिता जनसाधारण प्रेस गणमाध्यम समस्त तरफ रु माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करुच्ची माननीय गवर्नर को स्वागत करुच्ची माननीय मुख्यमंत्री को स्वागत करुच्ची माननीय नरेंद्र सिंह तोमर को स्वागत करुच्ची एवं मंत्रिमंडल समस्त सदस्य मानकु एवं मंच रे बसता समस्त वरिष्ठ लोक को स्वागत करुच्ची। भाई भौनी माने आपण माने एठु मते जितेकिर पठेले दिलीप बाबू को जितेकिर पठेले एकमात्र से जहाँ भी हो आपण माने मु भावुचे आज प्रधानमंत्री को सेतबेले कथाबार्ता करला बेले कहितलु जे आपण अंतत जो जगह रे भाषण देकिर एपील करथिले आ मु जितिकिर गले से जगह रे आसिकिर लोकंकु धन्यवाद देबे। मु भावुचे से निश्चय आपण मानकु धन्यवाद देबे। आमे जो डिमांड करथिलु से डिमांड रु किछि किछि कथा निश्चित भाव रे से पूर्ण करथिबे बोली आशा मु सेटा किछि कहबा पई चाहे नै। माननीय प्रधानमंत्री ये उपस्थित थवर तंकर मुहर शुणा उचित हे मु पुणि थे मोर वक्तव्य को धन्यवाद देवाई मोर पाखे भाषा नहीं एक तो गरीब आदिवासी लोक आ मोर पाखे से भाषा ज्ञान किसी नहीं तथापि मत आपने पठाई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मत कैबिनेट रखी सेम विभाग माननीय नरेन्द्र मोदी फेर आपण सेवा कर सुजोग दे कोटि प्रणाम करिकिरे मु समस्तंकु स्वागत करिकिरे मोर भाषण बंद करुछि। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय जय हिंद। अब हम निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से कि कृपया आज के इस शुभ अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। आज हम सबके मध्य इस पावन अवसर पर विराजमान देश के करोड़ों करोड़ हृदयों पर राज करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी, उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल आदरणीय जमीर साहब, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक साहब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय जोयल ओराम साहब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा सरकार के माइंस और स्टील मंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत मल्लिक साहब, आदरणीय दिलीप रे जी, आदरणीय हमारे विष्णुदेव साय जी इस्पात और खान के राज्य मंत्री, आदरणीय दिलीप तिरके जी, आदरणीय सुब्रतो जी सेक्रेटरी स्टील और हमारे सेल के चेयरमैन श्रीमान वर्मा जी, इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित महानुभाव बहनें नौजवान भाइयों पत्रकार मित्रों, आज राउरकेला नगर और राउरकेला स्टील प्लांट परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। आज बहुत ही सुखद संयोग है जब आज उत्कल का जन्मदिन का अवसर है
और उत्कल राज्य में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी है और आज राउरकेला स्टील प्लांट में 12 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजना शुरू हो रही है, उसका देश को लोकार्पण का अवसर है। ऐसे पावन अवसर पर मैं आप सब की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हम सब बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राउरकेला स्टील प्लांट जो अभी तक 2 मिलियन टन स्टील की उत्पादन क्षमता रखता था, 12,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन का काम आज पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने उपस्थित होकर अपने कर कमलों से देश को लोकार्पित करने का यह अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति से हमारे प्लांट के सभी लोगों का उत्साह बढ़ा है और प्रोत्साहन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस मेक इन इंडिया की कल्पना को लेकर इस देश में द्रुत गति से काम कर रहे हैं, उस गति में इस्पात मंत्रालय और सेल कदम से कदम मिलाएगा और कंधे से कंधा मिलाएगा और आने वाले कल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्रों की अग्रपांक में खड़ा करने में हम लोग सफल होंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सेल ने एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन का काम हाथ में लिया है। ये काम पूरा होगा, आज राउरकेला का काम पूरा हुआ है। यहाँ की जो कैपेसिटी है वह 2 मिलियन टन से बढ़कर 4.5 मिलियन टन हो गई है और जब ये काम सभी प्लांटों में सितंबर माह तक पूरा होगा तो जो सेल 13 मिलियन टन स्टील की उत्पादन क्षमता रखता है वह सितंबर में बढ़कर 23 मिलियन टन उत्पादन सेल का हो जाएगा। और हम यहीं तक नहीं रुकने वाले, आने वाले कल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेल के दूसरा और तीसरे चरण का भी एक्सपांशन प्रारंभ करेंगे। उनकी जैसे ही इजाज़त मिलेगी, और हमारी कोशिश है कि 2025 तक सेल 50 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाला स्टील का उद्योग बने। यह देश अनेक क्षमताओं से भरा है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। 2025 तक हम अपने देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है, R&D की आवश्यकता है, और इसलिए मोदी जी की दृष्टि के अनुसार हम सब लोगों ने रिसर्च के लिए भी टेक्नोलॉजी मिशन बनाया है और उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है, साथ ही साथ इस्पात के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों का भी उसमें योगदान है। हम खुद रिसर्च करेंगे और अच्छी गुणवत्ता वाला स्टील बनाएंगे और हिंदुस्तान की स्टील को दुनिया में शोहरत मिले यह सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार करने जा रही है। हम यह भी जानते हैं कि जब 300 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य पूरा करना होगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। पिछले दिनों माइनिंग के क्षेत्र में गत 6 वर्षों से ठहराव सा आ गया था, भ्रष्टाचार के कारण, घोटालों के कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, 7 कमीशन की स्थापना हुई, उनकी रिपोर्ट आई, निर्णय आए, उनका क्रियान्वयन हुआ। उड़ीसा, झारखंड और गोवा, कर्नाटक में माइनिंग का काम बंद हुआ, लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है 2006 से UPA सरकार माइनिंग बिल में बदलाव का प्रयास कर रही थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि अभी सरकार को साल भर भी नहीं हुआ MMDR बिल में परिवर्तन कर दिया, ऑर्डिनेंस लाके राज्यसभा और लोकसभा में वह बिल पारित हो गया है। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है, जब वह बिल राज्यसभा में पारित हो रहा था तो मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग हमारी सरकार को मिला बिल पारित कराने में,
आज हमें पीआर बिल पारित होने के बाद माइनिंग के आवंटन में पारदर्शिता आएगी, विवेकाधिकार समाप्त होगा, खनन का कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। और बंधुओं, यह उड़ीसा राज्य उत्कल राज्य है और इस राज्य में बड़ी मात्रा में अनुसूचित जनजाति के भाई और बहन निवास करते हैं। हम सब जानते हैं जहाँ खनिज है वहाँ जंगल है, जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी है, और जहाँ आदिवासी जंगल और खनिज है वहाँ माइनिंग से तमाम व्यक्ति प्रभावित होते हैं, क्षेत्र प्रभावित होता है, लेकिन इन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी भरपाई करने का ख्याल कभी किसी केंद्र सरकार ने नहीं किया। लेकिन जब हम बिल बना रहे थे तो माननीय मोदी जी ने कहा कि उस व्यक्ति का ख्याल करो जो खनन के कारोबार से प्रभावित हो रहा है, उसके जीवन स्तर में बदलाव आना चाहिए, उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इसलिए नए बिल में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का प्रावधान करके एक ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद जब रॉयल्टी बढ़ाने का काम हुआ तो उड़ीसा राज्य को 1600 करोड़ रुपया अतिरिक्त राजस्व रॉयल्टी के रूप में मिलना प्रारंभ हुआ, और जब DMF का काम प्रारंभ होगा तो 2000 से अधिक करोड़ रुपया इस उड़ीसा के जिलों जिलों में आदिवासी के जीवन स्तर के बदलाव के लिए और उसके क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। मुझे आज इस अवसर पर बहुत ही प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें इस्पात मंत्रालय की ओर से, सेल की ओर से यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप मेक इन इंडिया के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ो, इस्पात मंत्रालय, खनिज उद्योग और सभी लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे और इस हिंदुस्तान को विकसित राज्यों की राष्ट्रों की अग्रपात पर खड़ा करने में आपके साथ सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस शुभ शुरुआत के मौके पर उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा श्री नवीन पटनायक से कि कृपया इस शुभ घड़ी में हमें संबोधित करें, हमें अपनी शुभकामनाएं दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर SC जमीर, माननीय केंद्र मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्र मंत्री श्री ज्वेल ओराम, माननीय केंद्र मंत्री श्री विष्णु देव साय, माननीय केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय मंत्री उड़ीसा श्री प्रफुल्ल मलिक, माननीय सांसद श्री दिलीप तिर्की, माननीय विधायक गणों श्री दिलीप राय और श्री सुब्रत राय, यूनियन स्टील सेक्रेटरी, सेल रो चेयरमैन राउरकेला रो प्रिय भाई ओ भोनी मानन को मोर नमस्कार। आज उड़ीसा दिवस उड़िया जाति पाएं एक गौरव दिवस, यही अवसर रे आपन मानन को मोर शुभेच्छा जनाउची। स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश गठन पाएं संग्राम करी जाई थी बा बरपुत्र मानक प्रति यही अवसर रे मोर श्रद्धांजलि अर्पण करुछ। आई एम ग्लैड दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज विथ अस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। आई वेलकम हिम टू उड़ीसा। आई थैंक हिम फॉर चूजिंग दिस historic day for the expansion of the Rourkela steel plant. I also welcome Honorable Union Steel Minister to Odisha.
इस्पात नगरी राउरकेला आम राज्यर गर्व और गौरव षाठिए दशकरु ओडिशार अर्थनीति और प्रगति रे राउरकेलार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही आसी। राउरकेला स्टील प्लांट अनेक लोगों को रोजगार दे आसी। खुशी रो कथा आज यही प्लांट रो एक्सपेंशन हैला और यार प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम 4.5 मिलियन टन को बढ़िला। यह द्वारा देश रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्षेत्र रे राउरकेला स्टील प्लांट रो गुरुत्व बढ़िबो। राउरकेला सिटी रो अधिक विकास होगा सहित राज्यर प्रगति रे साहय कर। राउरकेला को आसिले बिजु बाबू को कथा मान को आसी जाए मुते बेले बहुत सनाली थी। बिजु बाबू सब बेले राउरकेला विषय डिस्कशन करूले। राउरकेला को एक नॉलेज और टेक्नोलॉजी सर भाव गढ़ी तोलवाकर झूम थिला एवं सेतिपाई से बहुत परिश्रम करी थिले। राउरकेला जरिया रे से एक इंडस्ट्रियल और नॉलेज रेवोल्यूशन आनिबा पाई उद्यम करी जाय छंती। आनंद रो कथा राउरकेला रे आजी बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी काम करुछि। एठारे जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रो सेकंड कैंपस प्रतिष्ठा होगाक जाठार म्यूनिशिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस कमिश्नर मध्य प्रतिष्ठा करा जाउछि। एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब भाव में राउरकेला रे गौरव को आहरी आगक नेबापी मो सरकार तार उद्यम जारी रखिबो। आज देशर स्टील मैप रे ओडिशार गुरुत्व बढ़ी। स्टील सहित आल्युमिनियम पा पेट्रोकेमिकल्स आदि अनेक सेक्टर रे शिल्प प्रतिष्ठा होउछि। आगामी किछि वर्ष मध्य रे शिल्प क्षेत्र रे ओडिशा देशर सबुठारु आगो राज्य होइ पारिबो बोलो बोली मोर आशा। आपन माने जानती आज थारू राउरकेला सहित पांच टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे आहार कार्यक्रम आरंभ करा गला। काम पाई शहर को आसुथिबा गरीब लोक को सुलभ मूल्य रे खाद्य जोगाइबा आहार योजना रो लक्ष्य। खुशी रो कथा राज्य सरकार को एही कार्यक्रम ओडिशा सरकार को अनेक पीएसयू और किसी प्राइवेट कंपनी सहयोग करबा पाई आगे आसी छंती। गरीब लोक को कल्याण आम समस्त लक्ष्य एबा उचित। समस्त को सहयोग रहिले गरीब लोक को पाई आमे आग को आरी भल भल कार्यक्रम करी पारिबो। आम राज्य लोक संख्यार ऑलमोस्ट 1/4 होउछंती आदिवासी। से मानकर विकास और कल्याण आम पाई खूब गुरुत्वपूर्ण। से मानकर शिक्षा स्वास्थ्य जीविका आदि पाई अनेक योजना सफल भाव रे कार्यकारी होउछि। गोटिए फेडरल स्ट्रक्चर रे देशरो उन्नति राज्य मानकर उन्नति उपरे ही निर्भर करी थाए। राउरकेला ओडिशा रो फर्स्ट मॉडर्न सिटी। ओडिशा वासी को पाई राउरकेला रो स्वतंत्र गुरुत्व रही। शहर को आहरी सुंदर भाव रे गढ़ी तोलिबा पाई मु समस्त को सहयोग कामना करुछी। I once again thank the Honorable Prime Minister
for coming to Odisha and dedicating the expansion of the Rourkela steel plant to the nation. Bande Utkal Janani. उड़ीसा श्री नवीन पटनायक और अब वो शुभ बेला जब देश विकास के शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी का एक सोपान और तय करने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया 4.5 NTPA मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सपेंडेड राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा टेबल पर स्थित बटन दबाकर करें। माननीय इसे राष्ट्र को समर्पित करें। 4.5 MTPA मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सपेंडेड राउरकेला स्टील प्लांट। ये मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन हॉट मेटल कैपेसिटी को दुगना कर देगा, यानी ये कैपेसिटी पहले 2 मिलियन टन पर एनम थी, अब 4.5 MTPA हो जाएगी। जी हाँ, और ये राष्ट्र को समर्पित 4.5 MTPA राउरकेला स्टील प्लांट। क्वालिटी में ज़्यादा निखार, ऊर्जा खपत में कमी, पर्यावरण पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। स्टील अथॉरिटी, स्टील इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था के विकास की बैकबोन है। स्टील इंडस्ट्री की सेवाओं को सराहने और उनके द्वारा स्थापित उच्च मानदंडों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टील प्लांट को प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करते हैं कि 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए ये ट्रॉफी प्रदान करें। 2010-11 के लिए ये ट्रॉफी दी जा रही है टाटा स्टील लिमिटेड को, इसके जमशेदपुर स्थित स्टील प्लांट के लिए। जमशेदपुर स्टील प्लांट ने 1 मिलियन टन की कैपेसिटी से अब 10 मिलियन टन की कैपेसिटी हासिल की है। श्री टीवी नरेंद्रन मैनेजिंग डायरेक्टर इस ट्रॉफी को ग्रहण कर रहे हैं। उनके साथ हैं श्री रवि प्रसाद, प्रेसिडेंट टाटा वर्कर्स यूनियन। ग्यारह-बारह के लिए बेस्ट इंटीग्रेटेड प्लांट के तौर पर भिलाई स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये ट्रॉफी हासिल हुई। इसे भारतीय रेलवेज को उच्च गुणवत्ता वाली रेल सप्लाई करने का सौभाग्य प्राप्त है। अभी तक इसने 4 लाख किलोमीटर की रेल भारतीय रेलवे को प्रदान की है। श्री सी एस वर्मा चेयरमैन सेल और श्री एस चंद्रशेखरन CEO भिलाई स्टील प्लांट इस ट्रॉफी को ग्रहण कर रहे हैं। बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 2012-13 के लिए ये पुरस्कार मिलता है JSW स्टील विजयनगर को। JSW उच्च गुणवत्ता वाले स्टील प्रोडक्ट्स उत्पादित करता है और इसकी कैपेसिटी अब 10 मिलियन टन हो चुकी है। श्री सज्जन जिंदल CMD और श्री जयंत आचार्य डायरेक्टर कमर्शियल एंड मार्केटिंग JSW विजयनगर इस ट्रॉफी को हासिल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत के सपनों, आशाओं, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को एक नई उड़ान, एक नया आसमान देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कदम आधुनिक भारत के मंदिर राउरकेला स्टील प्लांट में पड़े तो मानो ये धरती प्रफुल्लित हो उठी हो। अब देश इस्पात जैसे मजबूत संकल्प के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि विकास रथ की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व में है। इंडस्ट्रियल कोणार्क से कहे जाने वाले इस प्लांट से आपकी ओजपूर्ण वाणी में माननीय हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। जय जगन्नाथ। मंच पर विराजमान ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान जमीर जी, राज्य के मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी,
श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान जुएल ओराव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, यहां के जुझारू नेता श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री विष्णुदेव साई जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार जी, सांसद श्रीमान दिलीप जी, स्थानीय विधायक मेरे मित्र श्रीमान दिलीप रे, स्थानीय विधायक श्रीमान सुब्रत जी, भारत सरकार के इस्पात सचिव श्री राकेश सिंह, सैल के अध्यक्ष श्री एस वर्मा, मंचस्थ विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, वंदे उत्कल जननी। ओडिशार प्रिय भाई भौणी, मानकु मोर नमस्कार। आजी पवित्र उत्कल दिवस, ओडिशार प्रतिष्ठा दिवस, समस्त ओडिशा वासिंग को ये अवसर रे मोर अभिनंदन। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उत्कल दिवस के पावन अवसर पर मुझे जगन्नाथ जी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। इस उड़ीसा को बनाने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, साधना की, और आज उत्कल दिवस पर मैं विशेष रूप से उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास को प्रणाम करता हूं। उत्कल के गौरव मधुसूदन दास को नमन करता हूं, वीर सुरेंद्र साई को प्रणाम करता हूं, और महाराज कृष्णचंद्र गजपति जी को मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं। ये बिरसा मुंडा की भी क्रांति ज्योत से प्रज्वलित धरती है, मैं बिरसा मुंडा को भी प्रणाम करता हूं, और आधुनिक उड़ीसा बनाने के लिए बीजू बाबू को हर उड़ीसावासी हमेशा याद करता है। मैं इन सभी महानुभावों को और उड़ीसा की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और मैं आज के उड़ीसा दिवस पर उड़ीसा वासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उड़ीसा विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, उड़ीसा के नौजवानों का भविष्य ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, सामर्थ्यवान हो, राष्ट्र के कल्याण में उड़ीसा की नई पीढ़ी
अपना अमूल्य योगदान देने के लिए उसको अवसर मिले। उड़ीसा का किसान हो, उड़ीसा का मजदूर हो, उड़ीसा का मेरा मछुआरा भाई हो या उड़ीसा का मेरा आदिवासी हो, ये वो धरती है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, अभिमान करता है। यहां का सूर्य मंदिर आज भी हिंदुस्तान को प्रकाश दे रहा है, एक नई आशा का संचार करता है। ऐसी इस पवित्र भूमि को मैं आज नमन करता हूं। मैं पिछले वर्ष अप्रैल महीने के पहले सप्ताह राउरकेला की धरती पर आया था, शायद 4 अप्रैल को आया था, और आज 1 साल के भीतर भीतर दोबारा मैं आपके बीच आया हूं। मैं पिछले वर्ष आया था तब आपके सपनों को समझना चाहता था, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझना चाहता था। आज जब मैं आया हूं तो मेरा 1 साल का हिसाब देने के लिए आया हूं। और लोकतंत्र में ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जनता जनार्दन को हमारे काम का हिसाब दें, पल पल का हिसाब दें, पाई पाई का हिसाब दें। भाइयों बहनों, ये राउरकेला एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जो राउरकेला में बसता नहीं है। राउरकेला में कुछ भी होता है, हिंदुस्तान पूरे कोने में उसका तुरंत वाइब्रेशन पहुंच जाता है। और भारत के भी किसी भी कोने में कुछ भी क्यों ना हो, पल दो पल में राउरकेला में पता चल जाता है कि हिंदुस्तान के उस कोने में ये हुआ है। इतना जीवंत नाता संपूर्ण भारत के साथ इस धरती का नाता है, यहाँ के लोगों का नाता है। एक प्रकार से राउरकेला को बनाने में भारत को इस्पात की ताकत देने में ये लघु भारत का, ये राउरकेला का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को एक करने का काम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और आजादी के बाद किसी शहर ने भारत को इस बात की ताकत दी है तो वो शहर का नाम है राउरकेला। जो वज्र सा सामर्थ्य दिया है, और जहां से वज्र सा सामर्थ्य मिलता है वो राष्ट्र कभी भी पीछे नहीं हटता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करता जाता है। यहां पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कई वर्षों पहले इस्पात के कारखाने की नींव डाली थी। यहां का जो मजदूर होगा वो भी ये सोचता होगा कि मैं खनिज में से, आयन और में से मिट्टी जैसा जो लग रहा है उसको प्रोसेस करके मैं स्टील तैयार करता हूं, मजबूत स्टील तैयार करता हूं, अच्छा स्टील तैयार करता हूं,
लेकिन राउरकेला के मेरे भाइयों बहनों, आप सिर्फ प्लेट नहीं बनाते, आप सिर्फ इतनी चौड़ाई इतनी मोटाई इसकी सिर्फ प्लेट का निर्माण नहीं करते हैं, आप जो पसीना बहाते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, उस भयंकर गर्मी के बीच खड़े रह करके आप अपने शरीर को भी तपा देते हैं, सिर्फ स्टील की प्लेट पैदा नहीं करते हैं, आप भारत की सैन्य शक्ति में, भारत की सुरक्षा शक्ति में एक अमोघ ताकत पैदा करते हैं, एक वज्र की ताकत पैदा करते हैं। आज भारत सामुद्रिक सुरक्षा में इंडिजीनियस बनने का सपना लेकर के चल रहा है। हमारे युद्धपोत हमारे देश में कैसे बने, इस पर आज भारत का ध्यान है। लेकिन ये युद्धपोत इसलिए बनना संभव हुआ है क्योंकि राउरकेला में कोई मजदूर भारत की सुरक्षा के लिए गर्मी के बीच खड़े रह करके अपने आप को तपा रहा है, तब जाकर के भारत की सुरक्षा होती है, तब जाकर के युद्धपोत बनते हैं, तब जाकर से यहां बनाया पकाया स्टील भारत के सुरक्षा के लिए काम आता है। दुश्मनों के कितनी ही ताकत क्यों ना हो, उन ताकत के खिलाफ लोहा लेने का सामर्थ्य हमारे सेना के जवानों में तब आता है जब वो मजबूत टैंक के अंदर खड़ा है और दुश्मन के वार भी झेलता है और दुश्मन पे वार भी करता है। वो टैंक भारत में तब निर्माण होती है जब राउरकेला में मजबूत स्टील तैयार होता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूर हिमालय की गोद में देश के सेना का जवान किसी टैंक पर खड़े रह करके मां भारती की रक्षा करता है तो उसके अंदर आपके भी पुरुषार्थ की महक होती है, तब जाकर के राष्ट्र की रक्षा होती है। और उस अर्थ में यह स्टील उत्पादन का काम राष्ट्र की रक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह स्टील उत्पादन का काम न सिर्फ उड़ीसा की आर्थिक जीवन को लेकिन पूरे देश के आर्थिक जीवन में एक नई ताकत देता है। इस पिछड़े इलाके में ये उद्योग के कारण रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है, यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए रोजी रोटी का अवसर उपलब्ध हुआ है और आने वाले दिनों में उसके विकास के कारण और अधिक रोजगार की संभावनाएं होगी, विकास के और नए अवसर पैदा होने वाले हैं। आज इस प्रोजेक्ट का एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन भी दो चार कदम नहीं, एक प्रकार से उसकी ताकत डबल से भी ज्यादा होने जा रही है। इस ताकत के कारण देश की इस्पात की क्षमता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। देखते ही देखते हिंदुस्तान ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है इस्पात के उत्पादन में, लेकिन अभी भी हम चाइना से काफी पीछे हैं। और जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं तो हमें किसी के भी पीछे रहना मंजूर नहीं है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। देश 65% नौजवानों से भरा हुआ देश है। भारत मां की गोद में 65% 35 साल की कम उम्र के नौजवान मां भारती की गोद में पल रहे हैं, खेल रहे हैं। कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास, उनको अगर अवसर मिलेगा, उन्हें अगर रोजगार मिलेगा, उनका अगर सही स्किल डेवलपमेंट होगा
तो ये हमारे नौजवान पिछले 60 साल में हिंदुस्तान जहां पहुंचा है 10 साल में उससे तेज गति से आगे ले जाएंगे, ये मुझे मेरे नौजवानों पर पूरा भरोसा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश का औद्योगिक विकास हो, भारत के अंदर जो खनिज संपदा है, ये कच्चा माल विदेशों में भेज करके, ट्रेडिंग करके, पेट भर करके हमें गुजारा नहीं करना चाहिए। हमारी जो खनिज संपदा है वो कच्चा माल दुनिया के बाजार में बेचने से पैसा तो मिल जाएगा, ट्रेडिंग करने से अपना परिवार भी चल जाएगा, 5-50 लोगों का पेट भी भर जाएगा, लेकिन भारत का भविष्य नहीं बनेगा। और इसलिए हमारी कोशिश है कि भारत के पास जो कच्चा माल है, भारत के पास जो खनिज संपदा है, खान खनिज में हमारा जो सामर्थ्य है, उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, उसकी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, और उसमें से उत्पादित चीजें हो वो विश्व के बाजार में उत्तम प्रकार की चीजों के रूप में जाएगी, तो भारत की आर्थिक संपद ताकत भी अनेक गुना बढ़ेगी। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश में जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की जाल बिछाई जाए, नौजवानों को अवसर दिया जाए, बैंकों से धन उनके लिए उपलब्ध कराया जाए और देश में एक नई औद्योगिक क्रांति की दिशा में प्रयास हो। भाइयों बहनों, एक समय था भारत की ओर कोई देखने को तैयार नहीं था। पिछला एक दशक ऐसी मुसीबतों से गुजरा है कि जिसके कारण पूरे विश्व ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज भाइयों बहनों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 10 महीने के भीतर भीतर निराशा के बादल छट गए, आशा का सूरज फिर से एक बार आसमान के मध्याह्न पर पहुंचा है और पूरा विश्व का ध्यान आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी निवेश की ओर लगा है। रेल हो, रोड हो, गरीबों के लिए घर हो, उद्योग हो, कारखाने हो, दुनिया के लोगों का ध्यान आज हिंदुस्तान की तरफ गया है और हम इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं, हम विश्व को निमंत्रित करना चाहते हैं। आइए, आप अपना दिलदस्ती बजमाइए, भारत की धरती उर्वरा है, यहां पर जो पूंजी लगाएगा दुनिया में कहीं उसको जितना रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न देने की ताकत इस धरती के अंदर है। और इसलिए मैं विश्व को निमंत्रित करता हूं और उस इलाके में करना चाहता हूं। मैं देवबंद से कह रहा हूं कि भारत का विकास सिर्फ हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर होने से भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। महाराष्ट्र आगे बढ़े, गुजरात आगे बढ़े, गोवा आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े, इससे काम नहीं चलेगा। वो बढ़ते रहे और बढ़ते रहे, लेकिन देश का पला तो तब होगा जब उड़ीसा भी आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, पश्चिम बंगाल आगे बढ़े, आसाम आगे बढ़े, पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। पूरे हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, पूर्वी भारत का इलाका ये भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए जितना कि हिंदुस्तान का पश्चिमी किनारा आगे बढ़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि भारत का पूर्वी इलाका, उड़ीसा से लेकर के गुवाहाटी तक पूरा इलाका, ये कैसे सामर्थ्यवान बने, कैसे विकास की यात्रा में भागीदार बने। इसलिए सरकार की सारी योजनाएं विकास की उस दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है। अब तक ये परंपरा रही, दिल्ली वाले, दिल्ली में बैठने वाले ऐसे अहंकार में जीते थे कि राज्यों को वो
छोटा मानते थे, नीचा मानते थे। हमने इस चरित्र को बदलने का फैसला किया है। ये परंपरा मुझे मंजूर नहीं है। केंद्र हो या राज्य हो, बराबरी के भागीदार है। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, दोनों मिलकर के आगे बढ़ने वाले पार्टनर हैं। उसी रूप में देश को चलाना है और इसलिए हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है। भाइयों बहनों, राज्यों ने हमसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन हम मानते थे, क्योंकि मैं खुद अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं और देश में पहली बार लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, और इसलिए उसको मुख्यमंत्री की तकलीफें क्या होती है, राज्य की मुसीबतें क्या होती हैं, उसकी भली भांति समझ है। मैं दिल्ली में बैठ करके भी उड़ीसा के दर्द को भली भांति समझ सकता हूं, पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने राज्य में काम किया है। एक जमाना था, यहां का खनिज खदाने आपके पास, लेकिन रॉयल्टी के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। हमारी सरकार बनने के कुछ ही दिनों में हमने निर्णय कर लिया, कई वर्षों से रॉयल्टी का जो मामला अटका था उसका निपटारा कर दिया और रॉयल्टी में हमने बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि हम मानते हैं अगर धन राज्यों के पास होगा तो राज्य भी विकास के अंदर पीछे नहीं हटेंगे, और इसलिए हमने इस काम को किया। भाइयों बहनों, फाइनेंस कमीशन के द्वारा राज्यों को पैसे दिए जाते हैं। पिछले वर्ष उड़ीसा को भारत सरकार की तरफ से फाइनेंस कमीशन ने करीब 18,000 करोड़ रुपया दिया था। भाइयों बहनों, हमने आते ही 60 साल में पहुंचते पहुंचते 18,000 करोड़ पहुंचा था। हमने एक ही पल में 18,000 करोड़ का 25,000 करोड़ कर दिया, 25,000 करोड़। अगर राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, राज्य मिलचल करके प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा, इस मंत्र को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से एक के बाद एक भारत सरकार ने विकास के नए आयामों को छूने का प्रयास किया है, जो राज्य प्रोग्रेसिव होगा, जो राज्य लंबे समय की योजनाओं के साथ इस धन का उपयोग करेगा, वो राज्य हिंदुस्तान में नंबर एक पहुंचने में देर नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। अब जिम्मेवारी राज्यों की बनती है कि वे विकास के मार्ग तय करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल लगाएं, तत्कालीन लाभ वाला कार्यक्रम नहीं, लंबे समय के लिए राज्य को ताकत देने वाला कार्यक्रम हाथ में ले। आप देखिए, आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाएगी और उड़ीसा में वो ताकत पड़ी है। उड़ीसा का इतिहास कहता है स्वर्णिम काल रहा है उड़िया का, फिर से एक बार वो स्वर्णिम काल उड़िया का आ सकता है, और मैं साफ देख रहा हूं अवसर सामने आकर के खड़ा है। भाइयों बहनों, आप जानते हैं, कभी उड़ीसा के लोगों को लगता होगा कि हमारा ऐसा नसीब है कि कोयले की काली मां हमारे पर छाई हुई है, कुछ मिलता नहीं था, कोयला बोझ बन गया था। आज कोयले को हमने हीरा बना दिया, हीरा बना दिया भाई। कोयले की खदानों का ऑक्शन किया, जो कोयले को हाथ लगाने से लोग डरते थे, आज उस कोयले को हीरे में परिवर्तित करने का हमने काम किया। जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि कोयले के खदानों की चोरी में
देश के खजाने का 1,74,000 करोड़ रुपया लूट लिया गया है। मैं पिछले अप्रैल में मैंने यहां ये भाषण में कहा था, तब मुझे कई लोग कहते थे साहब 1,76,000 नहीं होगा, थोड़ा बहुत लिया होगा लेकिन इतना नहीं लिया होगा, कुछ लोग कहते थे, लोग कहते थे, मैं भी जो ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता था, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जानता, सीए जी ने कहा है। लेकिन भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार में दे दी गई 204 कोल माइंस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये चोर लुटेरे की जो बंटवारी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने लाल आंख दिखाई, 204 कोयले की खदानें रद्द हो गई। हमने तय किया हम ट्रांसपेरेंट पद्धति से ऑक्शन करेंगे, नीलामी करेंगे, दुनिया के सामने खुलेआम नीलामी करेंगे, मीडिया के लोगों की हाजिरी में नीलामी करेंगे। और मेरे भाइयों बहनों, 204 में से अभी सिर्फ 20 की नीलामी हुई है, ज्यादा अभी बाकी है, सिर्फ 20 की। और आपको मालूम है जिन 204 खदानों से हिंदुस्तान की तिजोरी में 1 रुपया नहीं आता था, सिर्फ 20 की नीलामी से 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम सरकार के खजाने में आया। और ये पैसे दिल्ली के खजाने में जमा नहीं करेंगे, जिन राज्यों में कोयले की खदानें हैं ये पैसा उनके खजाने में जाएंगे, उड़ीसा के खजाने में जाएंगे, छत्तीसगढ़ के खजाने में जाएंगे, झारखंड के खजाने में जाएंगे, राज्य में ताकत आएगी। भाइयों बहनों, ईमानदारी के साथ अगर काम करें तो कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, ये उदाहरण आपके सामने है। ये लोग जिम्मेवार नहीं है क्या? क्या उन्होंने जवाब नहीं देना चाहिए? ये 2,00,000 करोड़ रुपया 20 खदानों का आया कहां से? तो पहले पैसा गया कहां था? भाइयों बहनों, मैंने आपको वादा किया था दिल्ली में अगर आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे तो ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, ताकि मेरे देशवासियों को माथा नीचा कर करके जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूं। 10 महीने हो गए सरकार को, एक दाग नहीं लगा मेरे भाइयों बहनों, एक दाग नहीं लगा। भाइयों बहनों, अभी हमने नए कानून पास किए, मिनरल्स के संबंध में कानून पास किया, और मैं नवीन बाबू का आभारी हूं कि संसद में उन्होंने हमारा समर्थन किया, तो राज्यसभा में भी वो बिल मंजूर होने में हमारी सुविधा हो गई, और हम मिलकर के देश हित के निर्णयों को करते चलेंगे और देश हित में हम काम करते जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं जब पिछली बार आया था तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन यहां के लोगों ने मेरे सामने एक मांग रखी थी। राजनीति का स्वभाव ऐसा है कि पुरानी बातें भुला देना, जितना जल्दी हो सके भुला देना। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो आपका सेवादार हूं। मुझे पुरानी बातें भुलाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खुद होकर के याद दिलाना चाहता हूं। और मैंने गत वर्ष 4 अप्रैल को इसी मैदान से मैंने जो घोषणा की थी, तब प्रधानमंत्री नहीं था, आपने प्रधानमंत्री बनाया, और आज जब मैं पहली बार आया हूं तो मैं उस वादा पूरे करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि इस्पात जनरल हॉस्पिटल
अब इस्पात जनरल हॉस्पिटल ए मेडिकल कॉलेज कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में उसको विकसित करने का भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है। भाइयों बहनों, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इस अस्पताल में आपको कभी पेशेंट बनकर के जाना पड़े। मैं आज उत्कल दिवस पर आपको शुभकामना देता हूं कि अस्पताल तो हिंदुस्तान में बढ़िया से बढ़िया बने लेकिन 12 महीना खाली रहे, कोई बीमार ना हो, किसी के परिवार में मुसीबत ना हो, किसी को अस्पताल जाना ना पड़े। लेकिन यहां की मेडिकल कॉलेज से होनहार नौजवान तैयार हो करके देश के स्वास्थ्य के लिए भी तैयार हो। एक बात और भी हुई थी, ब्राह्मणी नदी पर दूसरा ब्रिज बनाने की। मैं आपकी कठिनाई जानता हूं, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ब्राह्मणी नदी पर दूसरे ब्रिज का काम भी कर दिया जाएगा। और उसके कारण राउरकेला की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ने वाली है इसको आपको पूरा अंदाज है। भाइयों बहनों, आज मैं दूर से ही जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद ले रहा हूं, लेकिन पूरा उड़ीसा और एक प्रकार से देश और दुनिया के जगन्नाथ के भक्त नव कलेवर के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई वर्षों के बाद नव कलेवर आता है, पूरा उड़ीसा पूरे विश्व का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाता है। रेल की सुविधा चाहिए, हवाई जहाजों की सुविधा चाहिए, और कोई सैनिटेशन संबंधित आवश्यकताएं हो, भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उड़ीसा के इस नव कलेवर पर्व में आपका साथ देगी और ऊपर से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से भी इसमें मुहैया किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज इस्पात के इस कारखाने का एक्सपांशन के साथ हम आगे तो बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जाएंगे, विकास की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेंगे। और मैं राज्यों को निमंत्रित करता हूं, आइए एक नए युग का ये शुभारंभ करने का अवसर है। लंबी सोच के साथ हम विकास की नींव मजबूत बनाएं, तत्कालीन फायदे से मुक्त होकर के हमारी भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए हम अपने रास्तों को प्रशस्त करें। मैं फिर एक बार सेल के सभी मित्रों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के छोटे मोटे इस पांच के कारखाने के मेरे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत आभारी हूं और मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं भाइयों, मैं नहीं मानता हूं किसी सरकार के कार्यक्रम में इतनी भीड़ कभी आती हो। चारों तरफ मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपने मुझे जो प्यार दिया है
ये प्यार एक प्रकार से विकास के प्रति आपका समर्थन की अभिव्यक्ति है। देश के नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए आपके संकल्प की अभिव्यक्ति है। हिंदुस्तान के किसान को, गांव को, गरीब को ताकतवर बनाने के आपके सपनों को पूरा करने का जो संकल्प है, उसका खुला समर्थन करने का आपका ये प्रयास है। मैं इसके लिए मेरे उड़िया वासियों को शत शत नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपके अपने पन से भरे हुए संबोधन के लिए। इन गौरवशाली पलों और इस पुण्य भूमि की मधुर स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। मेरा आग्रह है माननीय केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान से निवेदन करते हैं कि कृपया आभार प्रकट करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा राज्यपाल माननीय श्री जमीर, मुख्यमंत्री माननीय श्री पटनायक, केंद्रीय मंत्री श्री तोमर, स्थानीय जननेता माननीय जुएल बाबू, मंचस्थ अन्य समस्त नेतृमंडली, मो पाखे भाषा नहीं। पवित्र उत्कल दिवस रे प्रधानमंत्री मन पके कि ओडिशा आसिले कथा देथिबा कु कथा देथिबा विश्व गुड़ी को परे वक्तव्य दे कि कथा रखिले स्वाभिमानी ओडिशा पछुआ ओडिशा को आग को नवा पाई भारत वर्ष रे को अग्रणी राज्य भाबे गढ़ी तोलिबा पाई राज्य सरकार को सह हाथ मिले कि ओडिशा को गढ़ी तोलिबा पाई एक नुआ ऊंचाई को नै जिबा पाई संकल्पना करले। यही अवसर रे मु माननीय प्रधानमंत्री पाखे ओडिशावासी तरफ ओडिया लोक मान तरफ ओडिया जाति तरफ अशेष अशेष धन्यवाद प्रकट करुच्छे। माननीय राज्यपाल को अशेष अशेष धन्यवाद। बहुमूल्य समय व्यस्त करी व्यय करी से आसिले माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम रे समय देले। माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा को भी धन्यवाद। भारत सरकार प्रकल्प यही कार्यक्रम में जोग दे कि ओडिशार मान मर्यादा को बढ़ेले। माननीय तोमर जी को केते भी धन्यवाद दिले कम हबो, खूब कम दिन भितरे मेक इन इंडिया रा कल्पना को ओडिशा सांगरे जोड़ीवारे माननीय प्रधानमंत्री को एठी काणी मारे तंग अशेष भूमिका रहिला। बहुत बहुत धन्यवाद जुएल बाबू, दिलीप भाई, प्रफुल्ल मल्लिक, स्थानीय विधायक तराई बाबू, राज्यसभा सदस्य दिलीप तिर्की, सेल अधिकारी बंधु, समस्त बंधु मानक अशेष अशेष धन्यवाद। आज पवित्र दिवस एकाठी है कि भारत वर्षर विकास क्रांति रे जोग दे थिवारु धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद आज यहाँ पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक अपने ही स्थान पर रहे। आज उड़ीसा की ये धरती जो धन्य धरती मानी जाती है, बहुत ही हर्षित है माननीय आपके शुभागमन से। हम हृदय से आभारी हैं माननीय आपके इस अपनेपन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद अपना आशीर्वाद देने के लिए। सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक कृपया अपने स्थान पर ही रहें। आज एक नई शुरुआत हुई है।